कृषि कानून की वापसी वाले विधेयक कल संसद में होगा पेश। पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कई देशों से लगी पाबंदियों से परेशान हुआ दक्षिण अफ्रीका, बोला कोरोना का नया वेरिएंट पता करने की मिली सजा। उद्धव सरकार के दो साल पूरे, सरकार मना रही जश्न तो विपक्ष खोलेगा मोर्चा। हैदरपुरा मुठभेड़ में मारे गए आमिर के घर पहुंचे एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, पूछा क्या कुल जम्मू का हिस्सा नहीं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बोले मेरे घर की हो रही रेकी, मुझे फंसाने की है कोशिश। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार जाएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हरिद्वार जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे महामहिम, दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट, हरिद्वार जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे महामहिम, दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सतर्क। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे रामनाथ कोविंद, दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे महामहिम, सभी सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए रामनाथ कोविंद हरिद्वार जा रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर है, तो हरिद्वार जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दो दिवसीय दौरे से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट है, दीक्षांत समारोह में शामिल होने रामनाथ कोविंद हरिद्वार जा रहे हैं। इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रामपाल सैनी जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, जिस तरह से जो दौरा है राष्ट्रपति का, उसके मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा? रामपाल जी, आपको आवाज आ रही है? तो वहां संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से। तो दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे रामनाथ कोविंद, जिसके लिए वो दो दिवसीय हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, और इस दौरे से पहले जितनी भी सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं, पुलिस प्रशासन अलर्ट है। क्योंकि जब कोई भी प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो किसी राज्य या फिर किसी जिले में जाता है, तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था एकदम सख्त कर दी जाती है, और जब राष्ट्रपति का दौरा हो तो खास तैयारियां तो की ही जाती है। दीक्षांत समारोह में शामिल होने राष्ट्रपति जा रहे हैं, दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे, और जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, सख्त सुरक्षा प्रबंध देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सारी तैयारियों का खुद जायजा लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हर एक चीज का जायजा लिया है। और इस खबर पे हमारे साथ एक बार फिर संवाददाता रामपाल सैनी जुड़ चुके हैं। रामपाल, जिस तरह से राष्ट्रपति का ये दौरा है, दो दिवसीय दौरा है, क्या कुछ तैयारियां की गई है शासन प्रशासन द्वारा? जी, मैं मैडम बताना चाहूंगा कि बिल्कुल दो दिवसीय का दौरा है राष्ट्रपति का, और पतंजलि पहले पतंजलि विवि दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे महामहिम राष्ट्रपति। जो कुछ भी तैयारियां की गई हैं, जितने भी सुरक्षा के इंतजाम है, तो क्या उसका जायजा मुख्यमंत्री द्वारा लिया क्या है? पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर चुकी है, एडवांस में एम्बुलेंस भी साथ में रहेगी, और राष्ट्रपति ग्रुप के बुलेट रिचार्ज भी रखा जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रामपाल सैनी जुड़े थे। एथेनॉल के टैंकर में लगी भीषण आग, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, आग लगने से मचा हड़कंप, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। पारा क्षेत्र कुल्हड़ कट्टा गांव की घटना, एथेनॉल के टैंकर में लगी भीषण आग, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से धू धू होकर धुआं निकल रहा है, आग लगी हुई, भीषण आग लगी, तस्वीरों में देखा जा सकता है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, पारा क्षेत्र कुल्हड़ कट्टा गांव की घटना बताई जा रही है।
एथेनॉल के टैंकर में लगी भीषण आग। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से भीषण आग लगी है, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री का होगा मासिक रेडियो कार्यक्रम, मन की बात का आज 83वां एपिसोड, नरेंद्र मोदी राष्ट्र को करेंगे संबोधित। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री का होगा मासिक रेडियो कार्यक्रम, मन की बात का आज 83वां एपिसोड, नरेंद्र मोदी राष्ट्र को करेंगे संबोधित। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया ट्वीट, लखनऊ से बड़ी खबर, विपक्षी पार्टियों पर स्वतंत्र देव सिंह ने किया हमला, हरे पीले नीले चाहे जितने डिब्बे जोड़ लो, इंजन ही बेकार तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ट्वीट कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, भाजपा की डबल इंजन की सरकार जीतेगी, स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया ट्वीट, विपक्षी पार्टियों पर स्वतंत्र देव सिंह ने किया हमला, हरे पीले नीले चाहे जितने डिब्बे जोड़ लो, इंजन ही बेकार है तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला। भाजपा की डबल इंजन की सरकार भारी बहुमत के साथ मजबूती से लौट रही है, स्वतंत्र देव सिंह ने किया ट्वीट। प्रतापगढ़ जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, इस वक्त की बड़ी खबर, 29 नवंबर को जाएंगे अखिलेश यादव, रामकोला गांव में निजी समारोह में होंगे शामिल, सपा नेता जीत लाल यादव की आवाज जाएंगे अखिलेश। प्रतापगढ़ जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 29 नवंबर को जाएंगे अखिलेश यादव, रामकोला गांव में निजी समारोह में होंगे शामिल, सपा नेता जीत लाल यादव की आवाज जाएंगे अखिलेश। प्रतापगढ़ जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, बड़ी खबर सामने आ रही है, 29 नवंबर को जाएंगे अखिलेश यादव, रामकोला गांव में निजी समारोह में होंगे शामिल, सपा नेता जीत लाल यादव की आवाज जाएंगे अखिलेश। प्रतापगढ़ जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, 29 नवंबर कुछ जाना तय हुआ है और निजी कार्यक्रम में निजी समारोह में शामिल होने की बात बताई जा रही है, रामकोला गांव में, यहां सपा नेता जीतलाल यादव के आवास जाएंगे, प्रतापगढ़ जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, 29 नवंबर को जाएंगे अखिलेश यादव, रामकोला गांव में निजी समारोह में होंगे शामिल। पुल की रेलिंग तोड़कर लटका ट्रक, करीब 20 मीटर ऊंचे ओवर ब्रिज पर लटका ट्रक, शाहजहांपुर से एक खबर सामने आ रही है, बाल बाल बची ट्रक चालक की जान। जलालाबाद थाना क्षेत्र के कोला पुल का मामला, शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुल की रेलिंग तोड़कर लटका ट्रक, करीब 20 मीटर ऊंचे ओवर ब्रिज पर लटका ट्रक, बाल बाल बची ट्रक चालक की जान। जलालाबाद थाना क्षेत्र के कोला पुल का मामला, शाहजहांपुर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, 20 मीटर ऊंचे ओवरब्रिज पर लटका है ट्रक, जिसमें ट्रक चालक की जान बाल बाल बची है, शाहजहांपुर से यह खबर सामने आ रही है, जलालाबाद थाना क्षेत्र के कोला पुल का मामला है, पुल की रेलिंग तोड़कर ट्रक लटका, 20 मीटर ऊंचे ओवरब्रिज पर लटका ट्रक, बाल बाल बची ट्रक चालक की जान, शाहजहांपुर से ये खबर सामने आ रही है, जलालाबाद थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, कोला पुल का मामला है, जिसका रेलिंग तोड़कर ट्रक लटक गया। शाहजहांपुर से ये खबर सामने आ रही है, जब बाल बाल बची ट्रक चालक की जान, जलालाबाद थाना क्षेत्र के कोला पुल का मामला है, पुल की रेलिंग तोड़कर लटका ट्रक। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आर्यन इंद्र जुड़ चुके हैं, आर्यन जी, जिस तरह से अनियंत्रित होके बस रेलिंग तोड़ के लटक गया है, तो क्या है मामला, क्या अनियंत्रित हो गया था ट्रक या फिर क्या है मामला? देखिए, जिस तरीके से ये जो ट्रक लटका है, ये कहीं ना कहीं तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है यहाँ पर,
और ये यहाँ पर ऐसे पहले कई और बड़े हादसे हुए रहा, ये रात कल जो है लगभग दोपहर के बाद जो हादसा होते होते बचा है, बड़ा हादसा होते होते टला, क्योंकि ट्रेल जो ट्रक था वो रेलिंग पुल की तोड़कर पूरा एकदम से आधा इधर साइड में जो गंगा की तरफ लटका हुआ है। तो इसमें ड्राइवर ने भी बहुत अपनी सावधानियां बरती जिसको लेकर बड़ा हादसा चला है। अगर उस तरीके से अगर वो छलांग लगाता तब भी उसको कई चोटें होती, लेकिन वो अपनी गंभीरता पूर्वक उसमें कंट्रोलिंग पे बैठा रहा। इसमें देखा जाता है कि जो यातायात के लिए बात की जाए तो यहाँ पर इससे बड़े पहले कई हादसे हो चुके, क्योंकि ट्रक जो पुल है उस पर कई अभी भी गड्ढे बने हुए, जबकि इसकी मरम्मतीकरण भी पूरी कराई जा चुकी है। इससे पहले दो यानी कि यहाँ पे तीन एक्सीडेंट हुए थे और इससे पहले और भी एक्सीडेंट हो चुके हैं। इसमें देखा जाता है कि यातायात जो यहाँ पर है वो कहीं कोई भी यहाँ पर डायवर्जन नहीं है, कोई भी ना यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, यहाँ पर कोई किसी तरीके का कोई भी स्टिकर या कोई रेडियम नहीं लगाया गया, जिससे कि कोई हादसा अगर इसमें जो कोहरा पड़ रहा है कोहरे में कहीं अभी ऐसा देखा जा रहा है कि रेडियम नहीं लगे हैं, कोई निशान नहीं लगे हुए, जिससे कि जो ट्रैफिक है वो अपना कंट्रोलिंग एरिया देखकर चले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ शाहजहांपुर से संवाददाता आर्यन जी जुड़े थे। पुल की रेलिंग तोड़ कर लटका ट्रक, और जैसा कि हमें संवाददाता ने बताया कि वहां पे गड्ढे होने की वजह से कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, हालांकि मरम्मत कराई गई, इसके बावजूद भी जो पुल है उसकी हालत सही नहीं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते रहते हैं और जो ट्रक चालक है उसकी जान बचाई जा चुकी है। तो ये हादसा बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है, 20 मीटर ऊंचे ओवरब्रिज से लटक गया था ट्रक। तो शाहजहांपुर से ये खबर सामने आ रही है जहां पे बड़ा हादसा होते हुए टला है, रेलिंग तोड़कर ट्रक लटक गया था जिसमें चालक की जान भी खतरे में पड़ गई थी, लेकिन उसे बचा लिया गया है। लेकिन जो बात आती है पुल की, तो पुल की स्थिति और सुधारने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के हादसे होते रहते, पहले भी कई हादसे हुए हैं, तो आगे इस तरह के हादसे दोबारा ना हो तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।